विदिशा जिले के सिरोंज पुलिस ने ग्राम देहरी में जुआ खेलते 6 जुआरी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दागी ने बताया कि उक्त जुआरी काफी शातिर है, यह पहले ही अपने मुखबिर लगा देते हैं, लेकिन इस बार सिरोंज पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इन जुआरियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने अपने वाहनों का इस्तेमाल न करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग किया, जिसमें सिरोंज पुलिस के जवान ट्रॉली में लेट कर इन जुआरियों तक पहुंचे और अचानक पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के पास से करीब 15,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम देहरी में मकबरे के पास बैठकर कुछ लोग, एक खंडर सा बना हुआ है, तो वहाँ कुछ लोग बैठ के ताश पत्तों से जुए का खेल खेलते हैं। और इस सूचना पे तस्दीक के लिए हम लोग अपने स्टाफ के साथ, थाना सरोंज के स्टाफ के साथ रवाना हुए थे। और वहाँ पहुँच कर, चूँकि ये लोग काफ़ी शातिर तरीके से उस खेल को अंजाम देते हैं, इनके मुखबिर रास्तों में बीच बीच में बैठे रहते हैं, तो पुलिस की गाड़ियां देखकर या पुलिस वाले देखकर ये उन्हें अलर्ट कर देते हैं। इसलिए पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया गया और हम लोग वहां पहुंचे। पहुंचकर हमने जो दबिश दी तो उनमें से 6 लोगों को हम पकड़ पाने में सफल हो पाए और उनसे 15,150 रुपये जब्ती हुआ है और 52 ताश के पत्ते जब्त हुए हैं, जिस पैसे हमने इन्हें 13 जुए एक्ट के तहत प्रकरण तैयार किया था। चूंकि वर्तमान में माननीय कलेक्टर महोदय विदिशा का आदेश भी प्रचलन में है लॉकडाउन को लेकर शनिवार रविवार को, तो ये उसका उल्लंघन करते हुए भी पाए गए, तो 188 और 269-270 IPC के धाराएं और 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम कोरोना के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और समुदाय में ना बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, तो इस धारा के तहत भी हमने आपदा प्रबंधन के तहत भी इनके विरुद्ध प्रकरण पाल है। ये यहीं सिरोंज का रहने वाला है, टोकी चौराहे का, आशीष माथुर पचकुइयाँ का रहने वाला है, मनीष सोनी हनुमान पथ का रहने वाला है, लोकेश मालवीय राजीव पथ का रहने वाला है और जमील खां देहरी गांव का ही रहने वाला है और लियाकत हुसैन किड़ी मोहल्ले का रहने वाला है। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।